गाइज वेलकम अगेन टू द थर्ड एंड फाइनल एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सपो 2020। हमने अब तक कुछ बहुत ही अफोर्डेबल ईवीज देखे तो कुछ बहुत ही लग्जरियस कैंप वैन, और आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मिड रेंज एसयूवीज और ईवीज के बारे में। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइज आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। तो हमारा पहला कार है टाटा मोटर्स का टाटा HBX। ये एक माइक्रो SUV है जो टाटा के नए अल्फा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, और ये टाटा EVs के लाइनअप में टाटा अल्ट्रोज EV के नीचे और नेक्सॉन EV के साथ का फ्लैगशिप मॉडल होगा। अब अगर इसके इंजन्स और ट्रांसमिशंस की बात करें तो इसमें टाटा के टिगोर और अल्ट्रोज की तरह 1.2 लीटर्स का 3-सिलेंडर रिवोट्रोन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि रिवोट्रोन इंजन एक टर्बोचार्ज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होते हैं जो कि 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करते हैं, पहला इको मोड, दूसरा सिटी मोड और तीसरा स्पोर्ट मोड, जिसमें कि ये सिटी मोड पर ऑलरेडी सेट रहते हैं। इसमें BS6 कंप्लायंट मोटर्स भी दिए गए हैं जो कि 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इन सब के अलावा इसमें 7 इंचेस का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो सिस्टम, कॉलिंग कंट्रोल और कंपास जैसे फीचर्स भी होंगे। इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 5-7 लाख अज्यूम की गई है और ये 2020 के एंड तक सेल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्कोडा के विजन इन की, जिसने ऑटो एक्सपो 2020 में ही अपना डेब्यू किया है। इस कार को स्पेशली इंडिया के लिए डेवलप किया गया है, जिसका प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होगा। ये कार 1.5 लीटर के TSI इंजन से पावर्ड होगा जो कि 150 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। इसके मोटर को 7-स्पीड DSG यानी डायरेक्ट शिफ्ट गियर से जोड़ा गया है। ये मिड साइज SUV 8.7 सेकंड्स का वक्त लेगा 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में, जिसका टॉप स्पीड होगा 195 km/h। ये एक डबल स्लैट ग्रिल फीचर करेगा जिसके फ्रेम्स और स्लैट्स दोनों ही लेड क्रिस्टल से बने होंगे। इसके हेडलैम्प्स के नीचे की तरफ LED फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। फ्रंट बम्पर के ऊपरी हिस्से में एक क्रिस्टलाइन मैश इफेक्ट एयर इनलेट दिया गया है और निचले हिस्से में एल्यूमिनियम फ्रंट स्पॉइलर। अगर रियर की बात करें तो यहाँ आपको रेजर शार्प एल शेप्ड LED टेल लाइट हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर्स के साथ देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसके रियर में एल्युमिनियम डिफ्यूजर्स भी होंगे। अब जानते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स होंगे, एल्युमिनियम रूफ रेल्स होंगी और साथ ही पैनोरामिक ग्लास रूफ भी होगा, और इसके 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च होने की उम्मीदें हैं। चाइनीज कार मेकर्स ग्रेट वॉल मोटर्स ने इस बार ऑटो एक्सपो में अपना पूरा दम दिखाया और अपने बहुत से EVs को शोकेस किया, जिनमें से एक है हेवल कॉन्सेप्ट एच। ये ग्रेट वॉल मोटर्स का एक कॉन्सेप्ट मॉडल है जो कि खासकर इंडिया के यंग कस्टमर्स को टारगेट करते हुए बनाया गया है। हेवल कॉन्सेप्ट एच ग्रेट वॉल मोटर्स का एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड है हेवल H7 का। इसे H7 से डिफरेंट बनाने के लिए इसमें रिवाइज बम्पर्स दिए गए हैं। ग्रेट वॉल मोटर्स ने ये भी अनाउंस किया कि ये 2021 में इंडियन मार्केट में अपने मल्टीपल मॉडल्स के साथ एंटर करेगा, जिसमें EVs भी होंगे। इसके इलेक्ट्रिफाइड मॉडल के आने से पहले रेगुलर पेट्रोल और डीजल इंजन्स के आने की उम्मीदें हैं, जिनकी प्राइसिंग लगभग 15 लाख रुपीज़ के आसपास होगी। कंपनी ने इसके इंडियन ऑपरेशन सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने तालेगांव पुणे में GM के प्लांट को टेक ओवर किया है। अब आखिर में हम एक ऐसा कार देखेंगे जिसने अपनी जगह कार्स के एक नए कैटेगरी में बनाई है। हम बात कर रहे हैं MG के रोवे विजन आई की, जो कि मॉरिस गराजस का एक कॉन्सेप्ट कार है। इस कार ने अपना डेब्यू शंघाई मोटर शो 2019 में किया था, जहां इसे वर्ल्ड का पहला 5G स्मार्ट कॉकपिट कहा गया। इस कार में एक SUV की बोल्डनेस और साथ ही एक MPV यानी मल्टीपर्पज व्हीकल की प्रैक्टिकलिटी है। ये कार कार्स की एक नई कैटेगरी में आता है जिसका नाम है SPV यानी स्मार्ट प्रोएक्टिव व्हीकल। इसके मॉडर्न लुक्स काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक्स और अमेजिंग हैं। इसका एक और की फीचर है इसके रिम्स। इनके रिम्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये विंड रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने में कैपेबल हैं। इसका केबिन एक नो स्क्रीन कॉकपिट फीचर करता है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह ऑटोनोमस है। जी हाँ, किसी को भी इसे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लर्निंग, ड्राइविंग, स्लीपिंग और मीटिंग जैसे मोड्स दिए हुए हैं जो कि पैसेंजर्स को फ्रीडम देते हैं ड्राइव करते वक्त भी दूसरे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के। हालांकि इस बार ऑटो एक्सपो 2020 में काफ़ी कम कार मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया, पर हमने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन पवेलियंस देखे। पर इनमें से जिसने बेस्ट 4-व्हीलर पवेलियन का अवार्ड जीता वो था मॉरिस गराजस का बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया ब्रिटिश थीम पवेलियन। तो चलिए जाते जाते एक नज़र डालते हैं इनके इस पवेलियन पर।
इसी के साथ ऑटो एक्सपो सीरीज का ये था हमारा थर्ड और आखिरी एपिसोड। उम्मीद है आपने हमारे ऑटो एक्सपो के सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।